वेलकम टू सुमन शशिकांत किचन। और सुमन शशिकांत किचन में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं क्रीमी समोसा। ये एकदम लेटेस्ट रेसिपी है, आपने पहले कहीं नहीं खाई है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें लगेगा पनीर, साथ में स्वाद अनुसार नमक, ये है प्याज मैंने इस तरह से काट लिए हैं, और ये है मायनीज जो कि घर में बनाई है, और यह है काली मिर्च, और साथ में लगेगा मैदा। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेते हैं जिससे हम समोसे की परत बनाएंगे। तो ये मैंने मैदा ले लिया है और मैदे में मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और अब मैं इसे पानी डाल के गूंदूंगी। ध्यान रखिएगा इसे गूंदना कड़क है ताकि फिलिंग अच्छी तरह से जा सके, सॉफ्ट रहेगा तो फिलिंग नहीं होगी। ये देखिए ये मैंने गूंद लिया है, अब इसे हम आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम फिलिंग रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज को सॉटे कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से सॉटे करना है। थोड़ा सा तेल डालना है और सारी प्याज डाल देनी इसी तरह से कट करके। ये देखिए सॉटे हो गई है मेरी सारी प्याज, इसे ठंडा कर लेना है। साथ में पनीर के छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, और साथ में थोड़ा सा ही नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि प्याज जलेगी तो वो पानी छोड़ देगा। और अब हम इसमें डालेंगे ये जो सॉटे की हुई प्याज है हम वो डालेंगे, और ये जो मायनीज है हमने घर में बनाई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मायनीज घर में कैसे बनाते हैं, ये इसमें मैंने मायनीज डाल दी है। ये देखिए मायनीज मुझे थोड़ी गाढ़ी चाहिए होती है इसलिए मैंने घर में बनाई है। इस तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए देखने में ही इतना यमी लग रहा है तो सोचिए खाने में कितना अच्छा लगेगा। ये अब आधा घंटा हो गया है, अब देखते हैं हमारा डो रेडी है। यस हमारा डो रेडी है। अब हम इसकी पतली पतली सी रोटियां बना लेते हैं जिसे हम बीच में से काट लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है, ये बीच में से हमने काट लिया है। अब हम इसे ट्रायंगल शेप दे देंगे जैसा कि समोसे का शेप होता है। बीच में पानी लगाएंगे हम, ये देखिए इसी तरह से आप बनाइएगा समोसे को। ये देखिए इसी तरह से उसका कवर बन गया है समोसे का, और अब इसके अंदर फिलिंग करेंगे। मैं पहले सारे के सारे समोसे की परत इस तरीके से कवर को बना के रख लेती हूँ। ये देखिए सारे कवर बन चुके हैं, अब मैं इनके अंदर करूँगी फिलिंग। ये देखिए इन्हें इस तरह से खोलना है, इन्हें मैंने 10-15 मिनट सुखा भी लिया है। और अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी पनीर और मायनीज की वो हम इसमें भरेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा नहीं भरना है वरना ये तलते समय फूट सकते हैं। इन्हें इस तरह से थोड़ा कम ही भरना है और फिर इसे आप इस तरह से चिपका दीजिए। मेरा तो आसानी से चिपक रहा है, अगर आपका नहीं चिपके तो आप पानी की सहायता से इसे चिपका सकते हैं। इसी तरह से सारे समोसे मैंने बना लिए हैं, अब मैं इन्हें तल लेती हूँ गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए अच्छी तरह से इन्हें तल लीजिए, ये मेरे समोसे तल गए हैं। अब इन्हें मैं एक एक करके निकाल लेती हूँ। तो ये बन गए हमारे क्रीमी समोसे, इन्हें खाइए, सभी को खिलाइए, और सुमन शशिकांत किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।